चलिए तो अब हिस्ट्री के बारे में देखा जाएगा। एंसेंट बेसिकली इसके तीन पार्ट थे, एक एंसेंट बना था आपका, दूसरा होता है मीडिएबल और तीसरा मॉडर्न। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहां से थे? मॉडर्न से। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन मॉडर्न के सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनकी चर्चा हमने की है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इसमें मॉडर्न से। इंपॉर्टेंट रिलीजन मूवमेंट पहला बनेगा, दूसरा जो टॉपिक होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्लियर ना? जिनका ये स्किप हो गया है उनके लिए बाद में चर्चा हो जाएगी। मॉडर्न में आपके तीन टॉपिक रहते हैं, सबसे पहला मीडिएबल में पहला रहता है दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली वंश के बारे में। दूसरा जो बनता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहता है मुगल एम्पायर या मुगल डायनेस्टी, जो भी है वहां से क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा रहता है इंपॉर्टेंट अटैक्स, ध्यान से सुनिएगा, पूरी हिस्ट्री आपको याद होने का प्रयास करेंगे। और जो तीसरा बनता है एंसेंट, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज मॉडर्न का, सेकंड नंबर पे जो वेटेज बनता है वो किसका बनता है? एंशियंट इंडिया, या इसे जाना जाता है प्राचीन भारत के नाम से, क्योंकि पूरी चीजें क्या होती है इसमें प्राचीन के बिहाब पर बनती हैं। और इसमें जो एंशियंट इंडिया है, एंशियंट इंडिया के कई सारे क्या होते हैं, पार्ट्स भी रहेंगे, तो इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, क्या सिलेबस रहेगा, वो सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी क्लियर होने चाहिए, कितने आते हैं, और एट द एंड जैसे ही खत्म होगा उसके बाद 100 या 200 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्या होंगे, पूछे जाएंगे। अभी दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन हुए, जो भी आपने देखे होंगे उसमें मैक्सिमम पोर्शन आपके बताए हुए आए, इजी टू इजी यदि जाते हैं तो कंप्लीट जीएस में 30-35 मार्क्स इजिली कर सकते थे। स्टैटिक के 10 से 12 नंबर थे, उसके बाद करंट अफेयर्स 10 से 12 और पॉलिटी 8 से 10 क्वेश्चन, उसके बाद ज्योग्राफी का 1 से 2 हर शिफ्ट में जा रहा, इकोनॉमिक्स के केवल योजना पूछ रहा, 5 ईयर प्लान पूछ रहा और तीसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, केवल तीन टॉपिक वो अभी तक पूछे जा रहे हैं। अगला जो आपका अपकमिंग एग्जाम है एसएससी जीडी, वो आपका अपकमिंग है, जिसके फॉर्म जो है 24 से ऑनलाइन होंगे और 20 फरवरी से एग्जाम डेट पहले ही अनाउंस कर दिया उन्होंने कि 20 फरवरी से हम क्या करेंगे एग्जाम। तो आपके पास 2-3 मंथ का अभी भी टाइम है, कंसंट्रेट करिए और उस पेपर की ओर जाएंगे। जीएस की वहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी आपकी बनती है वो सब पूरा हम कवर आपका कराएंगे और डेली बेसिस पे क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। तो अभी जो पार्ट है हमारा, कौन सा पार्ट चलेगा? एंशियंट इंडिया, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, तो अभी जो रहेगा एंशियंट हिस्ट्री, या इसे जाना जाता है किस नाम से? प्राचीन इतिहास के नाम से। अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि इतिहास होता क्या है, तो ऐसी चीजें जो लिखी हुई हैं या जो बीत गई हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इतिहास के नाम से जाना गया। और इतिहास के प्राचीन इतिहास को कई भागों में बांटा गया। सबसे पहला काल जो होता है उसे जाना जाता है किस नाम से? स्टोन एज, या इसे जानते हैं किस नाम से? पाषाण काल। मतलब ऐसी चीजें जो किसमें लिखी होती हैं? पत्थरों में लिखी होती हैं, विच इज रिटन इन स्टोन, दैट इज नोन एज द स्टोन एज। स्टोन एज के बाद दूसरा जो टॉपिक बनता है इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे जाना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है, या इसे जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट किस नाम से? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। अब इसमें होता क्या है, आप कोई भी बुक उठाते हैं और बुक रीड करने लगते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि बुक में आपके काफी चीजें ज्यादा दी होती हैं, वो आपको नहीं पता चलता कितना पढ़ना है कब पढ़ना है। तो अभी जो डिस्कस करेंगे केवल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूरे मार्क्स क्या होने चाहिए, आने चाहिए। तो पहला टॉपिक कौन सा बना? स्टोन एज, कब से कब तक चला, कितने पार्ट में डिवाइडेड है, सबकी चर्चा होगी। तीसरा टॉपिक रहता है इसमें वैदिक सिविलाइजेशन, या इसे जाना जाता है किस नाम से? वैदिक सभ्यता के नाम से। किस नाम से जानते हो बेटा? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद फोर्थ रहता है इंपॉर्टेंट रिलीजन। इंपॉर्टेंट रिलीजन का क्या मतलब है बेटा? महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन या धार्मिक, जिसमें जैनिज्म
बौद्धिज्म, हिंदुज्म और इस्लाम चारों के बारे में क्या होगी यहां पर चर्चा होगी। वैदिक सभ्यता में पूरा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सबके बारे में चर्चा होगी। इसके बाद फिफ्थ टॉपिक हमारा बनता है इंपॉर्टेंट डायनेस्टी का मतलब क्या हुआ, महत्वपूर्ण वंशावली। अब वंशावली किसकी किसकी देखेंगे, नॉर्थ इंडिया की अलग चलेगी, मिड इंडिया की अलग चलेगी और जो तीसरा बनता है वो कौन सा, साउथ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इन दोनों से पूछे जाते हैं, नॉर्थ और साउथ इंडिया से। मिड इंडिया से जैसे आपके खजुराहो के टेंपल बने हुए हैं उस प्रकार का सिनेरियो बनेगा। तो नॉर्थ मतलब उत्तर भारत की वंशावली, साउथ मतलब दक्षिण भारत की वंशावली और ये कहां की बनेगी, मध्य भारत। तो टोटल कितने टॉपिक पढ़ने हमें एंशिएंट में, 5 टॉपिक। कितने नंबर का आता है सर, ये मैक्स टू मैक्स आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 से 3 मैक्सिमम है, मिनिमम कितना नंबर रहता है, 1 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। मैक्सिमम कितने, 4 से 5। दिल्ली पुलिस में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से जरूर आ रहा, एक वंशावली से आ रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इंडस वैली से शुरू नहीं किया लेकिन जिसका भी एग्जाम 22-23 के बाद फंसेगा वहां क्वेश्चन इंडस वैली से मिलना स्टार्ट होंगे। क्लियर है, अब हम शुरू करते। टोटल कितने टॉपिक है बेटा, 5। पहला टॉपिक कौन सा, स्टोन। दूसरा इंडस वैली। तीसरा वैदिक सिविलाइजेशन। फोर्थ कौन सा बना, इंपॉर्टेंट रिलीजन। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, महत्वपूर्ण वंशावली। शुरू कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है, अभी मत लिखिएगा। अब सबसे पहले यह कहा गया कि आप सर शुरुआत कैसे हुई मनुष्यों की, थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो इतिहास लिखा हुआ है, हमने कुछ भी देखा नहीं है, पूरी की पूरी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं से रिटन है, लिखी गई। तो शुरू में जब मनुष्य आया तब मनुष्यों किसका पूर्वज कहा जाता है, बंदरों का। क्योंकि होता क्या था, मनुष्य जो था बंदरों की प्रजाति से आया, तो जैसे बंदर पेड़ों में रहते हैं वैसे मनुष्य भी कहां रहते थे, पेड़ों में रहते थे। और उसी के बिहाव पर पहला काल जो बना उसे जाना जाता है किस नाम से, स्टोन एज, या किस नाम से जानते हैं इसे, पाषाण काल। अब बताइएगा पत्थरों का काल कब से लेकर कब तक रहा, इसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि किस सन से लेकर कब तक इसका सिनेरियो बना है। और इसके कई पार्ट से क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो अप्रोक्स जो ये पूरा का पूरा ईयर है ये कब से कब तक रहा, 5 लाख। अच्छा, आपको पता होगा टाइम पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। टाइम पीरियड के कितने पार्ट होते हैं बेटा, हाँ देख लीजिएगा, नहीं पता चला कंफ्यूज हो गए। एक होता है बीसी, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट का मतलब हाँ ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। और दूसरा आता है फुल फॉर्म, आफ्टर डेथ ऑफ ईसा मसीह। क्लियर है, एडी हमेशा जो है सीधा चलेगा, मतलब एक से लेकर कंटिन्यू रहेगा। बीसी हमेशा अपोजिट चलता है, मतलब 100 से चलेगा 99, 98, 97। क्लियर है ना, दोनों कॉन्सेप्ट। 640 एडी तक, जब तक ईसा मसीह का जन्म नहीं होगा तब तक पूरा आपका पूरा कॉन्सेप्ट किससे चलेगा, बीसी, या इसे जाना जाता है ईसा पूर्व। किस नाम से जानते हैं, ईसा पूर्व। टाइम पीरियड क्लियर हो गया। और एडी का मतलब ईसवी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं इसे, ईसवी। तो टोटल इसका सिनेरियो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट, पाषाण युग का काल कितना होता है, टाइम पीरियड। तो याद रखिएगा इट इज अप्रोक्स 8 लाख बीसी। अप्रोक्स कब से चल रहा है, 8 लाख बीसी से कब तक है, 2500 बीसी। कब तक है बेटा, 2500 बीसी तक चलता है। कब से कब तक चलता है ये, 8 लाख से कब तक चलता है, 2500 बीसी। याद रहेगा कि नहीं, कब से कब तक चला बोल दीजिएगा, 8 लाख से 2500 बीसी तक चला। अब स्टोन एज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में। स्टोन एज के कितने काल होते हैं, 3 काल। एक सबसे पुराना काल होता है जिसे जाना जाता है
पैलियोलिथिक के नाम से, किस नाम से? पैलियोलिथिक, या इसे जानते हैं पूरा पाषाण काल। अभी मत लिखिएगा, पत्थर के काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? तीन भागों में। पत्थर का काल क्या होता है? जिसमें पत्थरों में लिखी हुई चीजें होती हैं। क्लियर रहेगा। स्टोन एज दैट टाइम पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली 8 लाख टू 2400 BC, 8 लाख टू, क्लियर रहेगा कि नहीं? 8 लाख से 2500। पत्थर के काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तीन। सबसे पहला कौन सा आया? पैलियोलिथिक या पुरापाषाण। कब से कब तक है ये? अप्रोक्स 5 लाख टू 8000 BC। कब से कब तक है? 5 लाख ईसा पूर्व से सबसे डिवाइड होगा ये। कब तक है? 8000 ईसा पूर्व तक। याद रहेगा कि नहीं? यहां क्या हुआ, कैसे हुआ, हर एक चीज की हम क्या करेंगे, यहां चर्चा करेंगे। क्लियर है। दूसरा काल जो होता है उसे जाना जाता है मीजोलिथिक। किस नाम से जानते हैं इसे? मीजोलिथिक। दूसरा जो होता है उसे जाना जाता है मीजोलिथिक। मीजोलिथिक का मतलब, हाँ आधे लोग बोलिएगा नहीं कि एनर्जी ना बेस्ट हो जाए, मध्य पाषाण काल। तो पत्थर के काल को कितने काल में डिवाइड किया गया? मैम बताएंगी कौन कौन से? पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक। मेजोलिथिक को मध्य पाषाण काल। कब से कब तक बेटा? 8000 से 4000 BC। कितने से कितना? 8000 से 4000। क्लियर रहेगा कि नहीं? बाद में लिखेगा। और तीसरा होता है मेजो के बाद नियोलिथिक। बहुत क्वेश्चन पूछा गया इससे। नियोलिथिक या इसे जानते हैं किस नाम से? नव पाषाण काल के नाम से। किस नाम से जाना गया? नव पाषाण। कब से कब तक? 4000 से 2500 BC। इतना याद रहेगा कि नहीं? सबसे पहला टॉपिक कौन सा बना? पत्थरों का काल। पत्थर का काल कब से कब तक था? 8 लाख से 2500। याद रहेगा ना? अब पत्थर के काल को कितने पार्ट थे? कितने पार्ट थे? तीन पार्ट। कौन कौन से मैम बताएंगी? बाकी लोग शांत रहिएगा। हाँ जल्दी बताइएगा। हाँ नियोलिथिक। बगल में टाइम पीरियड कौन कौन से था तीनों का? कौन था फर्स्ट? पैलियोलिथिक। कब से कब तक? सेकंड वाला कौन था मैम, आप बता दीजिए? नहीं पता। तीन काल कौन कौन से हैं आप बता दीजिए? पत्थर के काल को तीन काल में विभाजित किया गया, कौन कौन से? सर ध्यान ही नहीं था हमारा, तो हम तो जीवन के अंतिम क्षणों में थे। बगल में तीन काल कौन कौन से थे? वेरी गुड। पैलियोलिथिक का एज कितना था? 8 लाख। हाँ सबसे लास्ट बेंच। मेजोलिथिक का? हाँ 8000 से 4000। वेरी गुड। आगे बेटा नियोलिथिक, नव पाषाण काल। ये आगे वाला बताएगा आपके पीछे। चले गए, ध्यान ही नहीं है यहां। एक बार फिर देख लीजिए, पत्थर के काल को तीन भाग में बांटा गया। प्लीज कंसंट्रेट कर लीजिए, तीन ही लाइन है लेकिन सब जरूरी है। पहला है पुरापाषाण काल 5 लाख से 8000, फिर मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल 8000 से 4000, नियोलिथिक कब से कब तक? 4000 से 2500 BC। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत है क्या? अभी नहीं होगा, पीछे जब जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। अभी दिमाग में लिखने का प्रयास करिए, नहीं तो जिंदगी तो गुजरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगला है पैलियोलिथिक के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज। अभी मत लिखिएगा। इसे जाना जाता है किस नाम से? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण का मतलब क्या हुआ? पत्थर के पहले का काल, जब पत्थर भी नहीं आए थे उसके पहले का काल। अप्रोक्स कब से कब तक गया? जितनी बार बोलेंगे उतना बेनिफिट होगा। 5 लाख से 8000 BC। अब 5 लाख BC का क्या मतलब है? बात मत करो पीछे, मैं बोल रहा हूं। 5 लाख का मतलब यह हुआ कि जब मनुष्यों का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ, द ह्यूमन कैन नॉट बी ओरिजिनेटेड,
उस समय मनुष्य ही नहीं थे। तो उस जमाने में क्या होता था, पूरी की पूरी जो पृथ्वी थी, आप देखेंगे या बाद में पढ़ा होगा कभी कि पृथ्वी जो है दो पार्टों में डिवाइड थी। शुरुआत में अर्थ कितने पार्ट में थी, दो पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को जाना जाता था इस वाले पार्ट को पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड। कौन सी लैंड होती थी, गोंडवाना, और उसके नीचे वाले पार्ट को पैंजियाना। किस नाम से, पैंजियाना। यही दो पार्ट थे। धीरे 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 टेक्टोनिक प्लेट में काफी सारे चेंजेस होने लगे। आज कितनी प्लेट अवेलेबल है, सेवन। देयर आर सेवन कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, दैट्स वाई सेवन क्या है, इसके प्लेट्स अवेलेबल है। पहले दो थी, अब धीरे धीरे क्या हुआ, पैंजियाना और गोंडवाना आपस में टकराती रही। जब ये टकराती रही तो हुआ क्या, जमीन और धरातल के आधार पर जीव जंतु बदलते रहे। और आपको पता होगा एक ऐसा जमाना आया था जब 1000 टन के जीव पाए जाते थे। वो एज कौन सा था, डायनासोर एज, मेजियो एसिक या डायनासोर एज जो होता था, वहां 8-8 लाख टन के जीव, बहुत भारी भरकम शरीर वाले डायनासोर पाए जाते थे। अब इतना ज्यादा शरीर का वजन होता था कि ये क्या करते थे, जो दूसरे जीव जंतु मिलते थे सबको मार देते थे तुरंत। तो पृथ्वी में तो अनियमितता फैल रही थी, जैसे आज क्राइम बहुत बढ़ जाए तो फिर नेचर क्या करता है, अपना बैलेंस बना लेता है। उत्तराखंड वाली कहानी आपको याद होगी, 2013 सब बह गया, क्लियर। वो क्यों बना, क्योंकि बैलेंसिंग के कारण। वही कहानी यहां थी, अपने से भारी वजन वाले किसी को जीवित नहीं रहने दे रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, सन के कुछ पास आने से, सन क्या हुआ, अर्थ के पास आया, टेक्टोनिक प्लेट टकराई। टकराने के बाद अचानक से पृथ्वी पर क्या बढ़ गई, गर्मी बढ़ी। क्या बढ़ी बेटा, गर्मी, वार्मनेस बढ़ी। और गर्मी बढ़ने से 25 किलो से ज्यादा जितने भी जीव थे विद इन सेकेंड में जलकर क्या हो गए, राख हो गए। और 25 किलो से कम वजन था लंगूर का, लंगूर समझ गए, जो बंदर था वो अपने बिल में चला गया। इसलिए जब सब मर गए तो बचा केवल कौन, सबसे बड़ा जीव पृथ्वी पर कौन बचा उस समय पे, लंगूर बचा। और जब सबसे बड़ा जीव लंगूर बचा, उस जमाने में शुरुआत होती है कौन से काल के, पेलियोलिथिक की या पूरा पाषाण काल की, क्लियर है। तो मनुष्य का जो पूर्वज है वो कौन बनता है, मनुष्य का जो पूर्वज है वो लंगूर बने और वहीं से पूरी चीजें बनी। तो सबसे पहले पेलियोलिथिक में क्या होता है, इसमें जो मनुष्य थे उन्होंने खोजा, ह्यूमन डिस्कवर द फायर। क्या खोजा उन्होंने, मनुष्य ने किसकी खोज की बेटा, मनुष्य ने आग की खोज की। अब आग की खोज कैसे हुई, पहले जो था मनुष्य अपने आसपास जो जीव मर जाता था उसी को खा लेता था, रोज ऐसे ही खाना खा रहा था, बोला अच्छा खाना है, कैसे खाना है, सुबह निकल जाता था, शाम तक कोई मिल जाता उसी को खा जाता था। बाद में क्या हुआ, दो लोग बैठे हुए थे, अचानक से एक पेड़ से दूसरा पेड़ टकराया और नीचे सूखे पत्तों में क्या लग गई, आग लगी। जब आग लगी तो उनको जो है भुना हुआ मांस मिला, कैसा मांस मिला, भुना हुआ पूरी तरह से। जब इन्होंने खाया तो कहा इसका टेस्ट तो अद्भुत है। अब इनको यह पता चलने लगा कि जो चीज हमें मिलेगी अगर उसमें थोड़ा सा गरम गरम का अनुभव हुआ, उनको यह नहीं पता था आग है, ये पता था अगर गर्मी मिलेगी तो क्या होगा, हमारा और ज्यादा क्रंची फूड बनेगा, फूड होगा और हमें क्या होगा, काफी ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, उस गर्म चीज को क्या कहना स्टार्ट किया था, फायर। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आग की खोज कब हुई, तो कब, कौन से काल में हुई थी, पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण काल। कब से कब तक था ये, 5 लाख से 8 हजार। इसने पत्थरों में औजार बनाए, जैसे हैंड एक्स और स्क्रैप्चर्स, मतलब इसने क्या किया, हाथ से बने हुए औजार बनाए, टूल्स दैट मेड फ्रॉम हैंड। हाथ से बने हुए क्या क्या बनाया इसने, हैंड एक्स बनाया। हैंड एक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी, और ये कुल्हाड़ी किसकी थी, पत्थरों की। ये जो कुल्हाड़ियां अस्त्र शस्त्र बने थे वो सब किसके थे, पत्थरों के, और ये पत्थर से ही फेंक के मारते थे और उसी का प्रयोग करते। तो आग की खोज कब हुई है, पूरा पाषाण काल में। और हाथ से फेंकने वाले अस्त्र या हैंड एक्स की डिस्कवरी कौन से एज में हुई है, पैलियोलिथिक में, क्लियर है। और मनुष्य इसी काल में, जो ह्यूमंस थे वो इसी एज में क्या होते थे, हंटिंग,
पूछ लो इतने में तो। तुम्हारा जो शरीर है कौन से चमड़ी से बना है? बताओ बताओ जल्दी बताओ बताओ बताओ। दोनों सेम क्वेश्चन है। टेराकोटा जो होती है वो सैल होती है बेटा। सैल का मतलब होता है चट्टान। क्लियर ना? चट्टान और पत्थरों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो जब आप ज्योग्राफी में जाएंगे तब वो आपको पढ़ाएगा ज्योग्राफी वाला कि चट्टान कितनी प्रकार की होती है। क्लियर ना? यहां टेराकोटा लिख दो तो फिर टेराकोटा पढ़ाऊं मैं पूरा 2 घंटे तक। क्लियर ना? तो ये अच्छा, कभी कभी ज्यादा ज्ञान भी खतरनाक होता है, तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखें। कहीं सिलेक्शन फिर नहीं होता है ज्यादा ज्ञान यदि रह गया तो फिर उस चीज का भी ध्यान रखें। जितना आपके लिए जरूरत है केवल उतना ही आपको याद रखना है। फिर टेराकोटा की कई सारी प्रजातियां होती हैं। फिर पढ़ते पढ़ते हम कहां पहुंच जाएंगे? विस्तृत जियोलॉजिकल बन जाएंगे। तो ये जो थी हैंड एक्स थी, और ये जो थी पर्टिकुलर कैसी थी? हाथ से बने हुए औजार थे। तीसरा जो ह्यूमन था वो कैसा था? हंटिंग था, या मनुष्य पूरा का पूरा क्या था इस जमाने में? शिकारी हुआ करता था। मतलब शिकार का साक्ष्य पूरा का पूरा मिला है। ये कोई भी हिस्ट्री जो पढ़ रहे ये आपके मानव निर्मित नहीं, बस ये साक्ष्य मिले गए हैं, पाए गए हैं। और इसमें 3 रिवर का वर्णन होता है। कौन कौन से रिवर का? बेसिन समझते हैं आप लोग। बेसिन क्या होता है? किनारा। जिस नदी के किनारे छोटे 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 अवशेष मिलते हैं, तो इसमें 3 प्रकार के रिवर का वर्णन मिला। बेशन नदी, सोहन नदी और नर्मदा नदी। तो इसमें कौन सी नदियों का मिला? बेशन, रिवर वैली, या ये जो मिला है पूरा का पूरा बेशन नदी घाटी में। और दूसरा जो मिला है याद रखिएगा किसके किनारे मिला है? ये नर्मदा रिवर वैली। याद है नर्मदा कहां से निकलती है? नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी का पूरा साक्ष्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से होता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो पूरा पाषाण काल की पूरी खोज किस नदी के किनारे हुई? नर्मदा नदी और बेशन नदी के किनारे पाया गया है। क्लियर है? यहां पर क्या क्या मिला? सबसे पहले मनुष्य किसकी खोज किया था? फायर की। दूसरे नंबर पर हंटिंग भी इसी समय पे थे, और हैंड से फेंके जाने वाले क्या थे यहां? टूल्स थे। क्लियर है? पूरी चीज याद रहेगी। तो पूरा पाषाण काल का एज कब से कब तक था? क्लियर रहेगा? और इसी जमाने पे क्या पाई गई? केव पेंटिंग। केव पेंटिंग इज फाउंडेड, या इसे जाना जाता है किस नाम से? गुफा चित्रकारी। एग्जाम में पूछेगा कि सबसे ज्यादा गुफा चित्रकारी कहां पाई गई है, तो इस प्लेस का नाम याद रखिएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अजंता है, तुम्हारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। भीम बेटिका, यही कहते हैं मनुष्य जब अंतिम क्षणों में पहुंचता है। भीम बेटिका की गुफाएं, भीम बेटिका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट भोपाल में स्थित है, रायसेन भोपाल में। और सबसे पुरानी गुफाएं हैं जिस पर आदिमानव के चित्र बने हैं। एक आदिमानव भाला लिया हुआ है, दूसरा आदिमानव में हिरण बना हुआ है, वो उसका हंटिंग करता हुआ दिखाया गया। याद रहेगा? तो क्वेश्चन पूछेगा ये कौन से काल का है, तो कौन सा काल है? पैलियोलिथिक एज। क्लियर रहेगा? तो एक बार ध्यान दे दीजिएगा, पूरे के पूरे जो आपका स्टोन एज था कितने पार्ट में डिवाइडेड था? 3 पार्ट। तीनों याद रहेंगे, पक्का है? कौन कौन सा? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और कोई दिक्कत यहां तक? एक बार नोट डाउन कर लीजिए पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप जरूर नोट करिएगा, और आगे से करूं? बस यहां से है, यहां से हेडिंग डालिएगा एंशिएंट इंडिया। टॉपिक लिखने के साथ आगे बढ़िएगा। पीछे वालों से रिक्वेस्ट है, शोर मत करिए, बात मत करिए, नहीं अगली क्लास से परमिशन नहीं मिलेगी। ऊपर क्लास खाली है, नहीं पढ़ना है तो वहां जाके बैठिए। दूसरे जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने दीजिए।
आगे बढ़ाए, आराम से लिखिएगा, क्योंकि अगर लिखने और पढ़ने में टाइम दे दिया तो आपको चीजें क्या होंगी, याद होंगी। अभी तक याद हुआ होगा, क्वेश्चन मैं पूछूंगा और टॉपिक खत्म होने के बाद डेली आपको क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, क्लियर ना, वो आपको उसमें मिलेगा सॉफ्ट फॉर्म में। आज जितना पढ़ाऊंगा उसके पूरे क्वेश्चन आपको आज मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। बढ़ाए आगे, तो उससे क्या बेनिफिट रहेगा। अगला है इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, महत्वपूर्ण वंशावली। पढ़ाए आगे, अब यहां से हेडिंग डालेगा स्टोन एज। बढ़े आगे, आराम से ध्यान देकर लिखिएगा। तीन के तीनों एज हैं। पैलियोलिथिक हमारा समाप्त हुआ है, मेजो में चलेंगे। अपने नाम से स्पष्ट है ये मेजोलिथिक। क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तीनों के एज याद रखिएगा, कब से कब तक रहा, क्या चीजें थी इसमें। बढ़ाएं आगे, एनो डोमिनी, हाँ एनो डोमिनी और आफ्टर दोनों कह सकते हैं, लेकिन एनो डोमिनी ज्यादा सही है। हाँ आगे बढ़ा दें, इसे एनो डोमिनी, एडी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं, एनो डोमिनी ईसा पूर्व ही होता है, लैटिन वर्ड में जाता है ये उसके बिहाव पर। आगे बढ़ा दें, बीसी का बिफोर क्राइस्ट। पिक्चर वाले कलम भी चलाइएगा, ठीक है, ये सब आपको YouTube पे मिल जाएगा शाम को, जो भी क्लासेस चल रही हैं पूरी की पूरी क्लास आपको मिलेगी। बढ़ा दे आगे, तो पत्थर के काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया ये मैम बताएंगी, बाकी लोग शांत। कौन कौन से, तीनों के एज, टाइम पीरियड किसका, हाँ 8 लाख 2, हाँ किसका है ये, हाँ नियोलिथिक का, ठीक है। अगला लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा पेलियोलिथिक एज। अगली हेडिंग डालिएगा पेलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, या इसे जानते हैं पुरापाषाण काल। हाथ से बने औजार, टूल्स दैट मेड फ्रॉम हैंड, इसका एग्जांपल है हैंड एक्स।
हाथ की कुल्हाड़ी, पुराने जमाने में काफी प्रयोग होता था इसका। और मनुष्य इस समय किसका हंटिंग डिस्कवर्ड, शिकारी हो चुका था, क्लियर ना। जो लोग मिलते थे सबको मार जाता था, जीव जंतुओं को, लेकिन अपने साथ कुत्ता उत्ता का भी साक्ष्य नहीं मिला है। केवल तीन साक्ष्य मिले, सबसे पहले आग की खोज कर दी पैलोलिथिक में, दूसरा हथियार चलाने लगा, वो भी बड़े बड़े हथियार रहते थे इनके, छोटे नहीं रहते थे, काफी बड़े, लेकर चलना भी मुश्किल रहता था पुराने जमाने में। और तीसरा लिख लिया ना, ये लिख लीजिएगा, रिवर्स दैट इज फाउंडेड, कौन सी नदियों के किनारे पाए गए ये पूरे के पूरे, एविडेंस फाउंडेड ऑन द बेसन रिवर वैली एंड नर्मदा रिवर वैली, दोनों के किनारे पाया गया है। कौन कौन सा, दो लिख लीजिए बस, सोन वैली भी है लेकिन दो में क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, सोहन रिवर वैली है। बेसन, बेसन बी ए एस आई, ये मध्य प्रदेश में केव पेंटिंग का एग्जाम्पल जो है, गुफा चित्रकारी का उदाहरण जो मिला है वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका के रायसेन में पाया गया। मतलब केव पेंटिंग मतलब दीवालों पर क्या बनी हुई है, पेंटिंग बनी हुई है, याद रहेगा, वेरी गुड। अभी क्वेश्चन पूछूंगा कुछ देर में, पहले मेजियोलिथिक कंप्लीट करेंगे उसके बाद, याद रहेगा ना इतना। तो केव पेंटिंग का सबसे पहला साक्ष्य कहां मिला, मध्य प्रदेश, कहां, भीमबेटका, भीमबेटका कहां है, रायसेन। आगे बढ़ जाएं, अरे हाँ या ना, क्लियर ना। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तीन पार्ट। पेज इसका क्या एग्जांपल था कि हंटिंग हो चुकी थी, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज हुई थी, और तीसरा जो भी टूल्स थे वो मैनमेड थे, काफी बड़े बड़े आकार थे। अगला जो बनता है, आप पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे पेन ड्रॉप करिएगा, अगला है मीजोलिथिक एज, या इसे जानते हैं मध्य पाषाण काल। कब से कब तक, बिल्कुल याद रखिएगा, 8000 से 4000 बीसी। इसमें क्या क्या हुआ, द टूल्स आर स्मॉल, जो औजार थे वो क्या होने लगे, छोटे। और मेजो का मतलब क्या होता है, माइक्रो। तो जो भी औजार थे वो क्या होने लगे बेटा, सूक्ष्म होने लगे, मतलब औजारों का आकार धीरे धीरे छोटा हो गया और नुकीले ज्यादा कर लिए। पहले क्या होता था, पत्थर आप अगर चौकोट पत्थर मारेंगे तो केवल सर फटेगा, लेकिन नुकीला पत्थर मारेंगे तो घुस जाएगा सर में और मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, गर्दन में घुस गया तो मर ही जाएगा। पहले अगर किसी शेर को मारना होता था तो शेर के पास जाके मारते थे तो पता चला शेर इन्हीं को मार देता था, लेकिन अब दूर से इनके पास क्या आ चुके थे, औजार आ चुके थे, जिसको ये नुकीले थे और अत्यंत तेजी गति से ये इन्होंने क्या किया, अपना डिस्कवर कर लिया। दूसरे नंबर पे ये पशु पालना स्टार्ट किए, मतलब मीजियोलिथिक में क्या मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला, पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री पाया गया, पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री का साक्ष्य मिला। तीसरे नंबर पे डोमेस्टिफिकेशन, डोमेस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, घरेलूपन, मतलब वो खुद रहते थे, अपने साथ जानवरों को भी क्या करते थे, रखते थे। जानवर अभी आइडेंटिफाई नहीं किया कौन सा जानवर है, लेकिन जानवर इनके साथ मिलने लगे, और जब कोई मरता था तो उसको क्या करते थे, दफनाते थे। मतलब पहले क्या होता था, सबको ऐसे ही पड़ा रखते थे, लेकिन कुछ जगहों पर क्या एविडेंस मिला है कि शवों का दफनाने का, या कंकाल, कंकाल समझ गए ना, ह्यूमन स्केलेटन पाए गए। जो फर्स्ट एविडेंस है वो कहां पाया गया, आदमगढ़ में, पशुपालन का या डोमेस्टिफिकेशन का, डोमेस्टिफिकेशन, डोमेस्टिफिकेशन मतलब घरेलूपन, घरेलूपन का मतलब मनुष्यों के साथ में कौन रहेगा, पशु रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे। इसका जो फर्स्ट एविडेंस है,
फर्स्ट एविडेंस जो मिला वो मिला मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, और दूसरा मिला है राजस्थान में। मतलब पूछा जाता है कि पशुपालन का पहला साक्ष्य कहां पाया गया, कहां पाया गया? मध्य प्रदेश के आदमगढ़। दूसरा पाया गया बगरू राजस्थान। दूसरा कहां मिला है? बगरू। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बगरू राजस्थान, और पहला मिला मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। और तीसरी विशेषता क्या पाई गई यहां? ह्यूमन स्केलेटन इज फाउंडेड। क्या पाए गए यहां पे? मानव कंकाल पाए गए। तो पूछा जाता है कि मानव कंकाल सबसे पहले कहां पाए गए? ये सबसे पहले पाए गए आपके जो फर्स्ट एविडेंस था वो पाया गया उत्तर प्रदेश में। कहां मिला था इनको? उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये सब जमीन के नीचे खुदाई करके प्राप्त हुए थे। पहला एविडेंस उत्तर प्रदेश में पाया गया कहां? सराय नहर प्रतापगढ़। सराय नहर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ वही क्षेत्र है राजा भैया, कुंडा वाला क्षेत्र। वहां आज भी बहुत सारे वो गड़े हुए हैं, इंसानों को जिंदा गाड़ दिया जाता है वहां प्रतापगढ़ में। अगर किसी ने इधर उधर की एक्टिविटी की, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, कहा था कि आप खुदाई करवाइए तालाब की, लेकिन तभी राजा भैया बीजेपी में शामिल हो गए और पूरी एक्टिविटी अलग हो गई। तो सराय नहर, सराय नहर कहां स्थित है? प्रतापगढ़ में। पहला साक्ष्य कहां पाया गया? स्केलेटन का पहला साक्ष्य जो मिला है वो कहां मिला बेटा? सराय नहर। सराय नहर कहां है? प्रतापगढ़। ये किसका साक्ष्य था? डोमेस्टिकेशन या पशुपालन का पहला साक्ष्य जो मिला मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, और दूसरी पोजीशन राजस्थान के बगरू। साक्ष्य मतलब एविडेंस, फर्स्ट एविडेंस या प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुए। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए मीजोलिथिक को, फिर आगे बढ़ेंगे। दो एज खत्म हुए हैं, दूसरा लिखेगा मीजोलिथिक। काफी क्वेश्चन पूछा गया इससे भी, मीजोलिथिक तीन ही लाइनों में है। क्या क्या हुआ यहां? एनिमल हस्बेंड्री इज फाउंडेड, द टूल्स आर स्मॉल और माइक्रो, जो औजार थे वो सूक्ष्म थे और शार्पनेस उसमें ज्यादा थी, धारदार बनाए गए थे। बता रहे हैं कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिफिकेशन, ये अगली लाइन में है बेटा, अगले में जाएगा। फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिफिकेशन, घरेलूपन का पहला जो इनको क्या मिला, साक्ष्य मिला, दैट इज फाउंडेड इन मध्य प्रदेश आदमगढ़। बढ़ाएं आगे, बढ़ा देना, लिख लीजिए फर्स्ट एविडेंस, फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिफिकेशन, घरेलूपन का पहला जो इनका मिला कौन सा? बगरू राजस्थान, सेकंड पोजीशन इज द राजस्थान। हा, फर्स्ट एविडेंस दैट इज फाउंडेड ऑन मध्य प्रदेश, सेकंड एविडेंस दैट इज फाउंड फॉर बगरू राजस्थान। और इसी काल में क्या पाया गया? ह्यूमन स्केलेटन इज फाउंडेड, मानव के कंकाल पाए गए। हा, यूपी, आगे बढ़ रहे हैं। ह्यूमन स्केलेटन इज फाउंडेड, मानव के कंकाल पाए गए इसमें। आगे बढ़ा दे, फर्स्ट एविडेंस इन यूपी, स्केलेटन का पहला साक्ष्य मिला उत्तर प्रदेश में, सराय नहर प्रतापगढ़ में पहला साक्ष्य आपको पाया गया, और उसी के बिहाव पर पूरी चीजें क्या होती हैं इसमें आपके लिए बनती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार पूछा गया ये सराय नहर कहां पर स्थित है,
किसके बिहाफ पर चीजें चलती हैं। क्लियर है? अब तीसरा जो पार्ट बचेगा, आगे बढ़े, नियोलिथिक या इसे जाना जाता है नव पाषाण काल के नाम से। किस नाम से जाना गया बेटा? नव पाषाण काल। अब पिन ड्रॉप करिएगा पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड में। नव पाषाण काल कब से कब तक जाएगा? हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, 4000 से गया ये कब तक? 2500 बीसी तक। कब से कब तक गया? 4000 to 2500 BC, याद रहेगा ना। अब इस काल में क्या हुआ? फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यहां पे ऐसा लगने लगा। अब हुआ क्या, धीरे 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 औजारों पर ये निर्भर नहीं रहे, क्योंकि रोज मांस खाना डिस्टर्ब कर देता था। तो इन्होंने कहा कि अब क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा खेती के ऊपर जाएंगे। और इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया और सब लोग एक समूह में रहने लगे। पहले क्या होता था, बंदर अकेला निकल जाता था, पत्नी उसकी अलग निकल जाती थी, बच्चे का कोई संबंध नहीं रहता था कि कौन किसका है क्या है। धीरे 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 जब डोमेस्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि घर बनने लगे, ये खुद जाता था और अपने बच्चों के लिए भी मांस लाता था पकड़ पकड़ के रोज सुबह से शाम तक, ऐसा सिनेरियो बनने लगा। अब ये रोज घूमने निकलते थे तो साथ में अपने एक जीव को लेकर जाते थे, मतलब इनके साथ कुत्ते का भी साक्ष्य मिला। किसके साक्ष्य मिलने लगा? कुत्ते का। तो नियोलिथिक एज जो 4000 से 2500 बीसी तक रहा, इसमें पहला एग्जाम्पल किसका बना? द फर्स्ट एग्रीकल्चर एविडेंस दैट इज फाउंडेड ऑन द एज ऑफ द नियोलिथिक एज, मतलब किसका एविडेंस मिला है, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर is founded, और सबसे पहले एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ, कृषि, कृषि का साक्ष्य सबसे पहले कहां पाया गया बेटा, पूछेगा तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले जो ये लोग पैदा करते थे, अभी मत लिखिएगा, सबसे पहले ये क्या पैदा करते थे पाकिस्तान वाले रीजन पे, आपको पता होगा स्थान का नाम है बलूचिस्तान, मेहरगढ़ में है, पाकिस्तान में पाया जाता है। और यहां पर गेहूं और जौ सबसे पहले कहां मिला, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान वर्तमान कहां स्थित है, ये सब दोनों रीजन पाकिस्तान में। किसका किसका मिला है यहां पे साक्ष, गेहूं, जौ और तीसरे नंबर पे कपास। तीन क्रॉप इनको मिली, कौन कौन सी, वीट, जौ समझ गए होंगे, बार्ले और कॉटन। इन तीनों का साक्ष यहां पर क्या है, कौन सा एज है ये, नियोलिथिक। कब से कब तक रहा बेटा, 4000 से 2500। आग की खोज कौन से साख में मिली थी, कब, क्लियर है। फिर इसके बाद इनको कुछ जगहों पर किसका साक्ष मिला, राइस इज ऑल्सो फाउंडेड, किसका साक्ष मिला था, चावल के साक्ष भी मिले। और चावल के जो साक्ष हैं वो सबसे पहले कहां पाए गए, अलाहाबाद, कहां है, उत्तर प्रदेश में। चावल का साक्ष्य कहां मिला था, इलाहाबाद यूपी या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, क्लियर है। गेहूं, जौ और कपास के साक्ष्य कहां मिले, बलूचिस्तान में, जम्मू कश्मीर के बुर्जहोन पर। जम्मू कश्मीर का एक स्थान था जहां पर स्केलेटन ऑफ ह्यूमन एंड डॉग इज फाउंडेड, मतलब दोनों के साथ साथ में, किसके किसके, तेवा मनुष्य के क्या मिले, कंकाल पाए गए। किसके किसके कंकाल पाए गए बेटा, हा ह्यूमन एंड डॉग दोनों के पाए गए। और कहां पाए गए ये, जम्मू कश्मीर का इलाका था बुर्जहोम, कौन सा इलाका था बेटा, बुर्जहोम इलाका, बुर्जहोम में दोनों के कंकाल पाए गए। मतलब यहां से ये मिलता है कि कुत्ता और मनुष्य को एक साथ दफनाया गया, क्लियर रहेगा।
कोई दिक्कत यहां आता है तो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। नवपाषाण काल में क्या मिला? कृषि का साक्ष्य मिला। जब कृषि मिला तो कृषि में गेहूं, जौ और कपास पाकिस्तान में मिल गया और भारत में चावल के साक्ष्य पाए गए। वर्तमान में आज पाकिस्तान में, पहले ये भारत के ही पार्ट थे। और कुत्ते के साथ साथ मनुष्यों का साक्ष्य मिला, और कहां मिला यह? जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में। नोट डाउन कर लीजिए इसको, इसके बाद स्टैटिक चलेगा। इसको पहले नोट डाउन करिए, प्रश्नों के जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नियोलिथिक, नियोलिथिक लैटिन में, लैटिन में। हाँ 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 द प्लेस दैट नेम इज द मेहरगढ़। पर उसके पहले यहां के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितना अभी तक हिस्ट्री में पढ़ाया है वो सब क्वेश्चन अभी आपसे पूछे जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से फर्स्ट एविडेंस पाया गया। हाँ हाँ आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉटन, बार्ले एंड व्हीट। बढ़े आगे। जल्दी से लिख लीजिए, एक मिनट का समय। लिख लिया, क्लियर है यहां तक? बता नहीं रहे हैं? अरे हाँ या ना, बोलते सर अब आपकी पूछने की बारी आई तो हम ऐसे ही बोलेंगे जिसे आप पूछो नहीं। एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं, फिर इसके बाद क्वेश्चंस पुट अप करके आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले हमने शुरू किया स्टोन एज। स्टोन एज जो होता है एक ऐसा काल है जो पत्थरों का काल, और पूरा का पूरा एविडेंस हमें खुदाई से प्राप्त हुआ।
तीन पार्ट में इसको डिवाइडेड थे। सबसे पहला पैलियोलिथिक एज आया। पैलियोलिथिक कब से कब तक था? 5 लाख टू 8,000। 5 लाख टू 8,000। मेजोलिथिक कब से कब तक? 8,000 टू 4,000। एंड नियोलिथिक 4,000 टू 2,500। टाइम पीरियड के दो पार्ट थे, कौन कौन से? बीसी एंड एडी के नाम से जाना गया। अब पैलियोलिथिक की बात करते हैं, मतलब पत्थरों के पहले का काल। इस काल में इंपॉर्टेंट एविडेंस क्या हुआ? सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज हुई, और हाथ से बने हुए औजार आए जिसमें कुल्हाड़ी रही, और मनुष्य कैसा था? शिकारी था, जो जीव मिलता था मार के खा जाता था। फर्स्ट एविडेंस जो इसमें पर्टिकुलर प्राप्त हुए थे हमारे, रिवर्स में बेसन और नर्मदा। सबसे ज्यादा पूछा जाता है नर्मदा, क्योंकि यही नदी का किनारा है जहां पर हमें सती प्रथा, सती प्रथा समझते हैं, मतलब अगर किसी व्यक्ति के हस्बैंड मर गया, पत्नी बच गई, तो पत्नी को जबरदस्ती धतूरा पिला के जलाया जाता था। मतलब ऐसे तो जलेगी नहीं, तो दो लोग धतूरा पिला देते थे तो दिमाग से कनेक्शन उसका लूज हो जाता था। फिर क्या करते थे, बांस पकड़ पकड़ के दो तीन लोग बैठे रहते थे। फिर राजा राम मोहन राय का आपने सुना होगा, 1828 में उन्होंने बहुत बड़ा नाम लिया, और लॉर्ड विलियम बैटिंग, दोनों मिलकर इसका उत्थान किए थे। तो बेसन नदी और नर्मदा नदी में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरण में। गुफा चित्रकारी का सबसे ज्यादा वर्णन किस में मिलता है? पैलियोलिथिक में। और यह कहां पाया गया है? मध्य प्रदेश के भीमबेटका, याद रहेगा कि नहीं? वेरी गुड। दूसरा काल बना हमारा कौन सा? मेजोलिथिक। मेजोलिथिक को किस नाम से जाना जाता है? मध्य पाषाण काल। यहां पे जो औजार थे छोटे होते थे, पशुपालन का साक्ष्य मिला है, और घरेलू डोमेस्टिफिकेशन मिला। पहला एविडेंस मिला मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, दूसरा मिला राजस्थान के बगरू में, और ह्यूमन स्केलेटन भी यहां पर पाए गए। पहला स्केलेटन कहां पाया गया? उत्तर प्रदेश के सराय नहर प्रतापगढ़ में। तीसरा बना नियोलिथिक। नियो का मतलब ही होता है सब नया, तो एग्रीकल्चर मिल गया। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा मेहरगढ़ में गेहूं, जौ और कपास पाए गए। चावल के साक्ष इलाहाबाद में, और दफनाने में ह्यूमन के साथ साथ डॉग पाए गए। इसका एविडेंस कहां मिला? बुर्ज होम। 2 मिनट आपके लिए है क्विक रिवीजन, इसके बाद क्वेश्चन पूछ के आगे बढ़ जाएंगे हम स्टैटिक वाले पोर्शन पे। जल्दी से, मैक्सिमम टाइम 2 मिनट्स। लास्ट 1 मिनट। जो ये इधर वाला, उधर वाला, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में कंकाल पाया गया जमीन के नीचे, जिसमें मनुष्यों के साथ कुत्ता भी दफनाया गया था। तो उसका जो फर्स्ट एविडेंस है दफनाने का, वो मिला है जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम इलाके में। द प्लेस दैट नेम इज द जम्मू कश्मीर इन द प्लेस ऑफ द बुर्ज होम। क्लियर है? और पूछ लीजिए हमसे, फिर हम आगे बढ़ें। क्लियर है? पक्का? चलिए कॉपी बंद कर दीजिए सभी। हाँ, क्वेश्चन सबसे लास्ट से। हाँ, स्टोन एज जो था कितने पार्ट में डिवाइडेड था? जो आपके पीछे भी बैठा है कोई, तीन पार्ट। स्टोन एज का एज कब से कब तक? 8 लाख से 2,500। तीनों पार्ट कौन कौन से थे? ठीक है, आगे तीनों के टाइम पीरियड बता दीजिए। कौन 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 कौन? पैलियोलिथिक कब से कब तक? 8 लाख से। अद्भुत,
कॉपी बंद करो, अब फिर से सोच के बताओ क्या बता रहे हो। देख लिया, ठीक है। दूसरा वो कौन है? दूसरा मेसोलिथिक। हाँ, 4000 से 2500। आग की खोज कब हुई थी? पैलोलिथिक में। बगल में बेटा, पैलोलिथिक में और क्या क्या हुआ था? हाँ, ये तो हो गई। हाँ, हाथ वाले औजार, हाथ से औजार तो हमेशा बनते हैं। और देख रहा है आगे, एग्रीकल्चर का एविडेंस कहाँ मिला था बेटा सबसे पहले? आगे वाला बताएगा। हाँ हाँ, सबसे पहला बगल वाले कैप। आगे एग्रीकल्चर, नियोलिथिक। बैठ के आराम से जवाब दे दीजिए। नियोलिथिक में कब से कब तक? वेरी गुड। और तीसरा जो है पर्टिकुलर, ये बता। हो गया, ठीक है, डिबेट मत करो। उधर राइस था। और जो पर्टिकुलर आपका था, कुत्ते के साथ में मनुष्य का साक्ष्य कहां मिला? वेरी गुड। बगल वाले बेटा आप बता दीजिए, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द स्टोन एज, तीनों के नाम एंड टाइम पीरियड। व्हाट इज द टाइम? आगे मैम, नियोलिथिक के बारे में हमें बता दीजिए कुछ, कॉपी बंद करके। क्या हुआ था नियोलिथिक में? बोले सर आग लग गई थी जमाने में। हाँ बताइए। एग्रीकल्चर का एविडेंस था कहाँ? बलूचिस्तान में। कौन कौन सी फसल उगाई थी? गेहूं, जौ और कपास। बगल में पैलियोलिथिक के बारे में बता दीजिए। ठीक है मैम, सबसे पहले हंटिंग की शुरुआत कहां से हुई, कौन से एज में? शिकारी, पूरा पाषाण काल में। बगल में आग की खोज कब हुई? पैलोलिथिक। कब से कब तक? ठीक है, आगे बेटा आप बता दीजिए, धान जो पर्टिकुलर गेहूं है उसका प्रथम एविडेंस कहां मिला था? इलाहाबाद, यूपी में। इधर मैम, वीट का सबसे पहले साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, कौन सा एज था? नियोलिथिक। कब से कब तक? 4000 से 2500। पीछे स्केलेटन सिस्टम का सबसे पहले डिस्कवरी कहां हुई थी? इसके कुत्ता नहीं दफना रहे हैं, कुत्ते को नहीं, केवल ओनली स्केलेटन पूछा है। मेसोलिथिक में कहां? प्रतापगढ़। पीछे मैम, जो आपको याद हो बता दीजिए। सर ये कैसा प्रश्न है? हाँ जल्दी, हाँ स्टार्टिंग से, वेरी गुड। पूरा पाषाण काल से पहले कब से कब तक था? पत्थर के काल को कितने काल में विभाजित किया गया? तीन। कौन कौन से? ठीक है, बगल में बता दीजिए, पूरा पाषाण काल का एज कितना था पैलियोलिथिक का? पीछे डिस्कवरी ऑफ फायर, पूरा पाषाण काल। बगल में एग्रीकल्चर, नियोलिथिक में। पीछे हंटिंग की खोज कब हुई? बताओ जल्दी बताओ, हंटिंग कौन से लिथिक? नियोलिथिक। नियोलिथिक कब से कब तक था? ठीक है, पीछे मैम, स्टोन एज के तीनों पार्ट, तीनों के डिवाइडेशन एंड ईयर। बगल में हंटिंग की खोज कब हुई? कब से कब तक था पैलियोलिथिक? 4-5 लाख जो वो हमारे टूल्स थे वो माइक्रो साइज के कब बने थे? पीछे मैम, सबसे लास्ट
हाँ आप ही बची हैं। मेजोलिथिक कब से कब तक? 8000 से 4000 तक। क्लियर रहेगा इतना? कोई डाउट है यहां तक? ये पहला वाला जो पार्ट था हमारा वो पूरा का पूरा क्या हुआ यहां?